मेरी तरफ से डीडी एलजे को 8 स्टार। 8 ड्रिंक्स ब्रेक विद कवि शास्त्री। आज है फ्राइडे और दो बड़ी मूवीज मैदान और बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन उसका रिव्यू हमारे नलायक पत्रकार यानी चैन भाई कर रहे हैं। तो ओल्ड को करे अनफोल्ड में हम आपके लिए लाए हैं 90s की सबसे हिट मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इस पर बात करने हमारे साथ हैं मूवी एक्सपर्ट कवि शास्त्री। मैंने खाया है अफगानी नान, स्मेल आ रही है अब, तू खिला दे पान। नवरात्रे चल रहे हैं शास्त्री जी, के कैसी 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 बातें कर रहे हो ये? अबे तो पान मांग रहा हूँ, मटन पान मसाला थोड़ी मांग रहा हूँ। डीडीएलजे की बात करते हैं। हाँ, उसका वो गाना बड़ा पसंद है मुझे, झूले का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो तो धड़कन का गाना है ना, पर क्या बात कर रहा है, शक्ल थोड़ी मिलती है दोनों की। कोई नया डायलॉग लेके आओ शास्त्री जी, ये वाला ना पुराना हो गया है। तू बड़ी नई फिल्म निकाल के लाया रिव्यू करने के लिए है, 2 रुपीज एंकर। मूविंग ऑन, डीडीएलजे आई थी 1995 में और शाहरुख खान के लवर बॉय वाले परसोना को इस मूवी ने 100 गुना बढ़ा दिया। पर शाहरुख खान ने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को इस मूवी के लिए मना कर दिया था। मुझे भी मना कर देना चाहिए था तुझे ये शो करने के लिए, फिर तूने बोला 200 मिलेंगे हर एपिसोड के। कहाँ है वो, अभी क्लियर कर मेरा सारा हिसाब। अच्छा कर देंगे हिसाब इस वीडियो के बाद। पर SRK के मना करने के बाद आदित्य चोपड़ा गए सैफ अली खान के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो आमिर खान के पास भी गए, उन्होंने भी मना कर दिया। सुनील शेट्टी के पास जाना चाहिए था उन्होंने, और भी ज्यादा पैसा कमाती DDLJ, बता रहा हूँ मैं। ये सुनील शेट्टी आपके फेवरेट है ना, हर मूवी में घुसा देते हो आप उन्हें। नहीं, मैं सुनील शेट्टी का फेवरेट हूँ, पूछ लियो उससे जाके। खैर, मूवी की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। बलदेव सिंह यानी लेट अमरीश पुरी साहब रहते थे लंदन में, पर उनका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था। उनकी बेटी सिमरन यानी काजोल लड़ झगड़ के यूरोप की ट्रिप पे जाती है, जहां उन्हें राज यानी शाहरुख खान से प्यार हो जाता है। बलदेव सिमरन को वापस लेके इंडिया जाते हैं ताकि उसकी शादी करा दे, लेकिन पीछे पीछे राज आ जाता है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद बलदेव एंड में कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो हैप्पी एंडिंग। जितनी बढ़िया ये फिल्म थी ना, उतनी घटिया तरीके से सुनाई तुमने। तेरी स्टोरी टेलिंग को मेरी तरफ से 0 स्टार। तो बढ़िया एक्टिंग और सुपर हिट म्यूजिक वाली DDLJ बनी थी करीब 40 करोड़ रुपए में, और ये मेगा हिट ने करीब 200 करोड़ रुपए कमाए। अबे ओ, रात तक यहीं बिठा के रखेगा क्या? खत्म कर भाई अपने वीडियो। मेरी तरफ से DDLJ को 8 स्टार। 8। तो अभी तक आपने नहीं देखी 8 स्टार वाली DDLJ, तो फटाफट देखो Amazon प्राइम वीडियो पर। और हमारा ये रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट्स में फटाफट से बता दो। हम चलते हैं क्योंकि इनका रिक्शा जो है वो नीचे वेट कर रहा है। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और ये है कवि शास्त्री, और आप देख रहे हैं स्विच।